हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और हम आज बात करेंगे एप्पल वॉच 9 सीरीज के बारे में। इसके कुछ लीक्स या फिर रूमर्स आ चुके, तो इसी बीच क्या रहने वाले या फिर फीचर्स क्या क्या आएंगे एप्पल वॉच 9 सीरीज में, बेसिकली सब कुछ जानेंगे। और गाइस अल्ट्रा जो मॉडल थे इसका कोई भी रूमर्स नहीं आया, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे या फिर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तो रिलीज डेट क्या होगी एप्पल वॉच 9 सीरीज की, तो अभी जान लेते हैं। और गाइस एप्पल वॉच 9 सीरीज की जो रिलीज डेट है, यानी कि हम अगर दो तीन जनरेशन की बात करें पीछे एप्पल वॉच 6 से लेकर एप्पल वॉच 8 तक, तो गाइस ये सितंबर में ही यानी कि आईफोन्स के साथ ही लॉन्च होती है। तो इस बार भी जो है आईफोन्स के साथ ही एप्पल वॉच 9 सीरीज लॉन्च हो सकती है। एप्पल जो है आईफोन्स को सितंबर में लॉन्च करता है, तो सितंबर में ही एप्पल वॉच 9 सीरीज लॉन्च हो सकती है बेसिकली। और गाइस एप्पल वॉच 9 सीरीज के प्राइसिंग की बात करें तो वो 30,000 से लेकर 90,000 तक यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि गाइस जो अल्ट्रा मॉडल है वो 90,000 तक यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है। यानी कि पिछले साल ही जो 90,000 का लॉन्च किया था, इस बार जो है कोई भी प्राइसिंग बढ़ने नहीं वाली इन वॉच में बेसिकली। के साथ एप्पल वॉच 9 सीरीज के डिज़ाइन डिपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे जीपीएस मॉडल की बात करें तो उसमें एक 41mm का वॉच रहेगा और एक 45mm का वॉच रहेगा बेसिकली। तो और जीपीएस मॉडल में ये दोनों ही मॉडल्स एल्यूमिनियम फ्रेम के रहने वाले, तो इसकी वजह से जो इनकी प्राइसिंग है वो भी कम रह सकती है। जीपीएस प्लस सेलुलर मॉडल रहेगा जो कि प्राइस इनकी ज़्यादा रह सकती है बेसिकली। तो इसकी जो बॉडी रह सकती है वो स्टेनलेस स्टील की फ्रेम रह सकती है। तो जानते हो एप्पल को कि ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं करता अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके डिज़ाइन में बेसिकली। तो वही डिज़ाइन दिया जाने वाला है इस बार भी, जो कि एप्पल वॉच 7 से लेकर यहाँ पे 8 में भी आया था और 9 में भी वही डिज़ाइन दिया जाने वाला है। फ्रेम है वही रहने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक एल्यूमिनियम है, एक स्टेनलेस स्टील है एंड टाइटेनियम की आती है वो अल्ट्रा मॉडल्स में मिल जाएगी। जो कि 9 सीरीज के डिस्प्ले की बात करें तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाने वाले। जैसे क्या है ना कि एप्पल वॉच 6 सीरीज जब लॉन्च हुई थी उस टाइम थोड़े बेजल बड़े थे उस टाइम, और जैसे जिस टाइम 7 लॉन्च किया गया था उस टाइम जो डिस्प्ले का बेजल है वो बहुत ही कम कर दिया गया था। 8 सीरीज आई थी उसमें भी वही डिस्प्ले यूज़ किया गया था, पर जो 9 सीरीज आएगी इस साल लॉन्च होगी बेसिकली, तो उसमें जो डिस्प्ले रहेगी वो चेंज किया जाने वाले, जो कि यहाँ पे मिनी LED डिस्प्ले यूज़ किया जाने वाले जो कि रेटिना डिस्प्ले रहेगी एप्पल की ही। इसलिए भी एप्पल ने यूज़ की गई उनके आईपैड या फिर मैकबुक में, पर गाइस इस बार जो है अपने एप्पल वॉच 9 सीरीज़ में भी ये डिस्प्ले मिल सकती है गाइस। पर जो डिस्प्ले का बेजल रहेगा या फिर जो भी बाकी का सब कुछ वही रहने वाला है सब कुछ, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं किया जाने वाला। पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है या फिर शार्पनेस है वो बढ़ने वाली है इनका मिनी LED या डिस्प्ले की वजह से। इसी के साथ बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें एप्पल वॉच 9 सीरीज़ की बेसिकली, तो गाइस क्या है कि बैटरी इतनी घटिया है ना एप्पल वॉचेस की, क्योंकि जो आप बैकअप सिर्फ और सिर्फ 18 घंटा देती है रेगुलर मोड में बेसिकली, और सेविंग मोड ऑन कर ले तो 36 घंटे यानी कि डबल दे देती है। पर पावर सेविंग मोड में क्या होता है कि कोई भी फीचर से आप काम में नहीं ले सकते अच्छे तरीके से बेसिकली। एप्पल वालों ने आईफोन्स की तो बैटरी इंप्रूवमेंट कर दी है बेसिकली, पर एप्पल वॉचेस की यहाँ पे इंप्रूव नहीं कर पाए। तो गाइस इस साल देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट ला सकते, पर मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते ये बैटरी में। बैटरी डिपार्टमेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है एप्पल वॉच 9 सीरीज़ के यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है उसमें। एप्पल वॉच 8 सीरीज़ में जैसे हमें 45 मिनट्स में 80% चार्ज हो जाती है बैटरी, तो गाइस उसी तरह से इस जो एप्पल वॉच 9 सीरीज़ आएगी उसी में भी ऐसी तरह का यहाँ पे मॉड्यूल रहेगा कि 45 मिनट्स में ही यहाँ पे 80% चार्ज होगी और 60 मिनट्स में फुली चार्ज होगी बेसिकली। और गाइस कोई भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बैटरी में तो कोई भी चेंजेस नहीं किए जाने वाले। आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि आपको लेना चाहिए एप्पल वॉच 9 सीरीज़ या फिर नहीं, क्योंकि गाइस आप अगर वेट कर रहे हो एप्पल वॉच लेने की, आपके पास अगर एप्पल वॉच 7 सीरीज़ है और आपको अपग्रेड करना है बेसिकली एप्पल वॉच 8 सीरीज़ पे, तो अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं एप्पल वॉच 8 सीरीज़ में और 7 सीरीज़ में बेसिकली। तो आप 9 सीरीज़ जैसे ही लॉन्च होती है उस टाइम पर आप खरीद सकते हो 9 सीरीज़ 7 8 को स्किप करके बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।